हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। गाइस, मैंने अभी एक व्लॉग बनाया था हमारे में कि भाई साहब इस पुराने डीवीडी प्लेयर का हम क्या क्या कर सकते हैं। भाई यकीन मानिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो करना तो भैया, ये काफी पुरानी एक डीवीडी प्लेयर, लगभग 15-20 साल पुराना भैया। और गाइस, मैं आपको फटाफट भाई साहब खोल के दिखाता हूँ। देख भाई, ये ऐसी पड़ा है। देखो भाई साहब, देखो कितनी धूल मट्टी है भाई इसके अंदर। देखो, देख रहे हो भाई, ये रहा भाई, ये रहा, धूल निकल लिया भाई साहब। तो भाई लोग इसे क्या करते हैं, लोग भैया कबाड़े बेच देते हैं। वैसे गाइस, ये मेरे घर की है भैया, मतलब कि 15-20 साल पुरानी। पहले गाइस यूज होती थी, पप्पा लेकर आए थे, तो भैया अभी बिल्कुल बेकार, उनके बेचारों का जमाना चला गया। ठीक है, तो गाइस हम इसका एक धासू जुगाड़ बनाने वाले हैं। चला गाइस, फटाफट चलते हैं भैया अपने टॉपिक पर, ज्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट गाइस इंट्रो देख लेते हैं। समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस टाइम खोटी नहीं करेंगे इस वीडियो, फटाफट गाइस टॉपिक पे चलते हैं। तो भैया फटाफट मैं इसका सामान निकालता हूँ। तो भाई साहब, सब कुछ तो पहले टूटा पड़ा है। ठीक है, तो भाई इसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, रखते हैं साइड में। और भाई साहब, इस कार्ड की मैं कोई भी जरूरत नहीं है। तो गाइस, कार्ड को भाई साहब मैं निकाल लेता हूँ। देखो भाई साहब, ठीक है, ये निकलेगा भाई साहब इसका कार्ड। ठीक है, लेकिन भाई साहब इस पावर सप्लाई की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है इस प्रोजेक्ट में। तो भाई साहब, यकीन मानिए, जो पावर सप्लाई है ये भाई आपके 200-250 रुपये आराम से बचा देगी। भाई अलग अलग तरह के वोल्टेज देती है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट। ठीक है, जैसा गाइस आप इससे आउटपुट ले सकते हो। तो भैया पहले मैं अभी फिलहाल इस सप्लाई को निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गंदगी हो रही है। ये वैसे यहाँ रोक लग रहा है, और वैसे यहाँ से मैं ये स्विच भी निकाल लेता हूँ। ठीक, तो भैया ये इसके पावर सप्लाई, तो भाई इसे हम नहीं छेड़ेंगे फिलहाल, इसे रखते हैं साइड में। तो भैया देखो इसकी कंडीशन, देखो कितने का इसे गंदी हो रही है अंदर से। भाई पीछे देख सकते हो, काफ़ी सारे इसमें होल हैं। ठीक है, और भाई यहाँ पर देख सकते हो। तो चले गाइस फटाफट, भैया कुछ भी करने से पहले सफाई कर लेते हैं। हाँ, तो गाइस बिल्कुल भाई ये चकाचक हो गया है, बिल्कुल गाइस साफ हो गया है। और भाई ये भी काफी अच्छी लग रही है, पहले से साफ सुथरी थी। ठीक है, अब हम आराम से अच्छे से काम कर पाएंगे। और वैसे भी इसका जो ढक्कन है ये भी ठीक है। ठीक है, ये मैंने स्टिकर इसका छुटाया नहीं, क्योंकि भाई साहब इसकी पहचान है। तो चलो गाइस, अब फटाफट भाई इसकी फिटिंग करते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है बस वही रखेंगे, बाकी रहने देंगे। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन इसे हम काम में ले सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में। ठीक है, जो भाई साहब ठीक, तो भाई इसे ऑन ऑफ करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब हमें गाइस इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन भाई साहब इसकी जरूरत है, क्यों भाई इसके बिना मज़ा नहीं आएगा पैनल में। ठीक है, तो भाई मैं इसे निकाल लूँगा, ये जो वाइट है। ठीक है, वाइट वाला पार्ट है। तो भाई साहब इसे हम चिपकाएंगे ट्रांसपेरेंट वाली ग्लूगन से, बहुत ध्यान से, बिल्कुल सीधा। हाँ, तो गाइस ये काफ़ी मस्त लग रहा है। ठीक है, इसके बिना भाई ये अधूरा था। अब गाइस इस पर आते हैं भैया, फटाफट इस पार्ट को निकालते हैं। ठीक है, ये छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है, तो भाई साहब निकाल लेते हैं फटाफट जादू से। जी भाई साहब, निकल गई है, कर रहा था तो मैंने भाई पहले साफ कर ली थी। ठीक है, चलो भाई इसकी जगह 2 LED लगाते हैं, बल्कि गाइस में 2 नहीं 3 LED लगाएंगे, येलो, ग्रीन और रेड। और गाइस तीनों का भाई अलग काम होगा, काफी अच्छी लगेंगी जलती हुई। तो भाई साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करनी होगा, इस कोशिश हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, और ये मैंने सब निकाल दिया, इसका इस वजह से जरूरत है नहीं। तो भाई साहब LED थोड़ी सी अलग टाइप से लगानी है, कैसे करना है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो बस, देखो जिससे गाइस थोड़ा सा बीच में आए। तो भाई इस पर मैंने गुलगनी भी लगा दी, इससे LED भागे ना इधर। ठीक है, क्योंकि सोल्डिंग करते वक्त ये इधर भाग सकती है, निकल सकती है। तो भाई इसे अब डायरेक्ट लगा दो, जैसा गाइस लगा हुआ था। अब यहाँ पर गाइस आपको देखेंगे नहीं, लेकिन भाई इसके अंदर LED लगी हुई है, डिस्प्ले हमने निकाल दी है। अब भाई जो USB सॉकेट है ये भाई इसी में से निकला हुआ है, USB का। ठीक है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, वैसे गाइस काम तो करेगा, लेकिन भाई मज़ा नहीं आएगा, इसे भी चेंज करते हैं।
हाँ तो गाइस बिल्कुल मस्त हो चुकी है, साफ सुथरी अंदर गाइस ऐसा लगा भाई जिसके बिल्कुल न्यू बॉडी हो उसकी। तो भाई हमें इसमें कुछ और चीजें अभी लगानी है और कंप्लेंट्स लगाने हैं। तो गाइस पहले मैं आपको कंप्लेंट दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर भैया मैं लेने वाला हूँ कुछ सॉकेट, आप 5 पिन का भी ले सकते हो, मैं गाइस क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो भाई यहाँ पर मैं 2 पिन के 2 लूंगा। तो भाई साहब एक तो भाई सीम आ जाएगा और भाई एक हमें यहाँ पर कहीं पर कटिंग करनी पड़ेगी जिससे गाइस हम इसे 2 लगा सके। वैसे गाइस आप चाहो तो भाई नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है भाई ये जो ना काफी गड़बड़ करते हैं, बहुत जल्दी खराब जाते हैं। ठीक है तो भाई मैं फटाफट यहाँ लगाता हूँ और वहाँ से कहीं भी जहाँ पर गाइस आसपास देखते हैं, इसका आसपास लगा देते हैं, देखते हैं कहाँ लगाएं। हाँ तो वैसे हमें कुछ ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ी, देखिए यहाँ पे होल है, ये होल में लग जाएगा बोल्ट और भाई एक होल हम यहाँ कर सकते हैं। तो चले गए अब लगाते हैं भैया इसमें पावर सप्लाई जैसे लगी हुई थी। भाई इसके पावर के कनेक्शन है, ठीक है यहाँ पे गाइस ऑलरेडी बीच में ये वायर मिले हुए हैं इस तरीके से, तो ये स्विच यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पे कोई जोड़ने जरूरत नहीं है, इन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम दे रखा है, इन्होंने गाइस पीछे सिस्टम दे रखा किट के अंदर ही। भाई इस किट को फटाफट रोक देते हैं। चले जाए गाइस पावर सप्लाई में लग गई है और भाई इसे मैंने ऐसे लगाया क्योंकि गाइस यहाँ पर वायर थोड़े से डिवाइड हो गए हैं। चलो भाई अब लाते हैं भैया फटाफट बैटरी। बस 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 तो भाई साहब यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 1 2 3 5 तो गाइस यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 1 2 3 3 4 5 6 9 तो भाई साहब यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो भाई साहब यहाँ पर मैं 9 बैटरी यूज करने वाला हूँ 3 3 और 3 जो गाइस यहाँ पर 12 वोल्ट मुझे चाहिए। ठीक है तो गाइस फटाफट भैया इनके कनेक्शन करते हैं, लेकिन भाई इनके कनेक्शन में थोड़े से अलग तरीके से करने वाला हूँ गाइस, मैंने आज तक ऐसे किए नहीं है लेकिन ट्राई करते हैं। A few minutes later. तो गाइस भाई मैंने कुछ अलग किया है, देखिए तीनों प्लस एक साथ ज्वाइंट किए हैं, तीनों नेगेटिव एक साथ ज्वाइंट किए हैं और ये मैंने इन दोनों के भी साथ किया है। देखो भाई पहले क्या करते थे भाई, पहले मैं इसको 12 वोल्ट बनाते थे, फिर गाइस सीरीज में जोड़ते थे, फिर उसके बाद हम पैरेलल में जोड़ते थे। अब भाई मैंने क्या है कि गाइस मैंने सीधा पैरेलल में जोड़ लिया है, अब गाइस इन तीनों को मैं सीरीज में जोड़ लूंगा। देखिए इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और भाई इसका नेगेटिव, ठीक है। अब गाइस ये वही बैठेगा 12 वोल्ट ही और गाइस यहां पे देख सकते हो एक भैया BMS जो कि 20 एम्पीयर का है। A few minutes later. देखो भाई ये नेगेटिव का सीधा पॉजिटिव में इस तरीके से, ये पॉजिटिव का सीधा नेगेटिव में इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस ये निकला पॉजिटिव और भाई ये निकला इसका नेगेटिव आउटपुट 12 वोल्ट। तो भैया ये वायर वायर ना टूटे मैं थोड़ा सा गाइस टेप लगाता हूं, थोड़ा सा पूरी लगाता हूं। अब देखो कितना कम टाइम लगा भाई, यकीन मानिए गाइस ऐसे बहुत कम टाइम लगता है और भाई साहब मेहनत भी बहुत कम लगती है, ठीक है। हम देखो ठीक है बढ़िया। चलो भैया फटाफट में BMS लगाते हैं। तो भाई साहब ओवी किधर है, ये है इसका ओवी, ठीक है। तो ये गाइस यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, तो भाई हम नेगेटिव साइड ही लगाएंगे लेकिन ये बदतमीज नहीं आएगा, खैर छोड़ो यहाँ पर बस। तो भाई कनेक्शन इतने इजी हो गए भाई, मजा आ गया। जो बात है देखिए गाइस ओवी नेगेटिव सीधा है लगाना तीनों पर, ठीक है। अब आता है गाइस 4.2 वोल्ट सीधा यहाँ पर लग गए, मैं इसके नीचे निकाल कर क्योंकि इस पूरी की पूरी लाइन है देख सकते हो ना यहाँ लगा दिए। और भाई साहब फिर आते हैं 8.4 वोल्ट, ठीक है यहाँ से गया ऐसे गया ये रहा 8.4 वोल्ट, ठीक है। और भाई साहब आता है 12 वोल्ट ये रहा, बहुत इजी कनेक्शन है, ठीक है। ऐसे आपका टाइम बचेगा, तार बचेगा, मैंने मेहनत बचेगी और गाइस ये काफी मस्त भी लगता है। और भाई साहब अगर कनेक्शन समझ में नहीं आए हैं तो गाइस आप डायग्राम देख सकते हो, बहुत इजी है, बस आप एक बैटरी में 2 बैटरी और कनेक्ट कर देना पैरेलल में, यही बैटरी पैक बैठेगा। और भाई साहब ये बैटरी पैक बैठा है 6 एम्पीयर 12 वोल्ट, ठीक है गाइस एक बैटरी 2 एम्पीयर की है। चलो भाई साहब फटाफट करते हैं। तो भाई हम इसे बीच में लाएंगे, गाइस थोड़ी सी हैवी है ना तो बैलेंस बन रहा है। ले भैया ओम फो कर दी इसके, ओ माय गॉड टेढ़ा लग गया, चलो सही है कहीं नहीं जा रहा। हाँ तो गाइस अब इसमें थोड़ा सा वजन सा आया, थोड़ा सा वेट सा आया गाइस मेरी तरह, काफी गाइस भूखा भूखा सा लग रहा था पहले। अब भाई साहब हम फटाफट इसकी किट लगाते हैं कि गाइस इसमें हम कौन सी किट लगाने वाले हैं, ठीक है, जिससे हम किट किट ना करें। पहले गाइस सबको किट दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई ये वाला बोर्ड मैंने क्यों यूज किया। तो भाई साहब ये है 200 वाट की एक इन्वर्टर किट, यानी कि 200 वाट का इन्वर्टर बोर्ड या किट जो भी है। देखो भाई मैंने इसे इसने लगाया है क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ऑलरेडी पावर सप्लाई है, वरना गाइस मैं ये वाली किट लगाता। देखिए ये भी
200 वाट की है, ये भी 200 वाट की है, ठीक है। और गाइस ये है 100 वाट की, 100 वाट की। लेकिन गाइस इन दोनों के अंदर ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है तभी गाइस ये आउटपुट देते हैं, वरना गाइस आउटपुट नहीं देते। लेकिन गाइस इसमें कोई ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप बैटरी लगाओ और आउटपुट लो, ठीक है। और भाई साहब ट्रांसफार्मर गाइस हमें लगाना है नहीं, क्योंकि हमने पावर सप्लाई का यूज किया है पुरानी डीवीडी का ही। और भाई साहब कम से कम इसमें आपको 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और भाई इसमें कम से कम 5 एम्पीयर का ऊपर लगाओगे गाइस और मजा आएगा। तो गाइस काफी कॉस्टली गाइस ये बैठ जाती है, लेकिन भाई साहब हमें इस पावर सप्लाई का यूज करना था इस डीवीडी का, इसलिए गाइस मैं इसका यूज कर रहा हूं। A few minutes later. हां तो गाइस कनेक्शन मैंने भी कंप्लीट नहीं किए, लेकिन जितने के गाइस आपको बता दूं लगभग कंप्लीट ही हैं। एक बात और गाइस थोड़ी सी अपडेट देनी थी भाई, ये स्विच भी खराब था। पुराने चीजों गाइस यही तो प्रॉब्लम होती है कि चीजें खराब होती रहती हैं या सही से काम नहीं करती, तो भाई मुझे मजबूरन ये स्विच लगाना पड़ा। तो भैया इस किट के बहुत कनेक्शन है, ये रहा गाइस नेगेटिव, अगर आपको दिख जाए देखिए इस तरीके से, ये नेगेटिव है भैया, और यहाँ भैया पॉजिटिव है, ये रहा भैया पॉजिटिव, ठीक है। वैसे आपको गाइस ऊपर भी दिख जाएगा, देखिए ये रहा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एलईडी गाइस यहाँ पर आपको देने, देखिए मेंस माइनस, ठीक है, और भाई मेंस प्लस, मैन माइनस, मैन प्लस, ओवरलोड माइनस, जो कि गाइस बैटरी का ओवरलोड है यानी कि नेगेटिव, ठीक है, और गाइस ओवरलोड प्लस। तो गाइस ये मैंने सीधा एलईडी में लगा दिए हैं। और भाई ये तीसरी एलईडी है, ये गाइस है डायरेक्ट इस पावर सप्लाई से कनेक्ट होगी, तो भाई इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है डायोड लगाकर। जब ये पावर देगा तो गाइस ये एलईडी जल जाएगी, सबको पता लग जाएगा ये चार्ज हो रही है, ठीक है। अभी गाइस फिलहाल नहीं जल रही, क्योंकि यहाँ पर एक डायोड लगा दिया IN4007 का, यहाँ तक कनेक्शन फिट हो गए इस बैटरी के, ठीक है। नेगेटिव पोज आप देख सकते हो, ये रहा नेगेटिव, ठीक है, जो मैंने रेड कलर का लगा रखा वो हो जाता है बाई चांस, ये सीधा स्विच में गया, ये रहा भैया नेगेटिव, ठीक, और ये पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट है किट से। अब देखो भाई ये दोनों एलईडी हैं, यहाँ पर मैंने दोनों एलईडी लगाई थी, तो भाई इनके बारे में डायरेक्ट इस स्विच से, जैसे भाई मैं ऑन करता हूँ तो भाई इससे दोनों एलईडी जल जाएंगी, ठीक है। देखिए ये वाला जा रहा, मतलब डायरेक्ट 12 वोल्ट से है ये, ठीक है, बस इस स्विच से ऑन ऑफ हो जाएंगी, यानी जैसे ऑन होगा तो ये किट भी ऑन हो जाएगी और भाई ये एलईडी भी ऑन हो जाएगी। अब भाई सब मुझे लगाना है यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए, ये जो यूएसबी सॉकेट है इसमें कनेक्शन करने हैं। देखिए भाई उससे पहले देखना कि कहाँ पर गाइस के वोल्टेज हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं। गाइस ये वाले जो बोर्ड है यानी पावर सप्लाई SNPS पावर सप्लाई है, ये भाई मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच से गाइस इसे ऑन ऑफ कर दिया है, तो भाई लगाते हैं और गाइस फटाफट ये देखते हैं कि कहां पर आउटपुट कितने निकल रहे हैं। यहां पर निकल रहे हैं भाई अप्रोक्स 11 वोल्ट, जो कि कम है मान लिए। यहां पर निकले भाई 5 वोल्ट, तो गाइस एक तो 5 वोल्ट चाहिए, और यहां पर देखते हैं ओ माय गॉड यहाँ पर तो ओवरलोड दिखा रहा है, लगता है गाइस थोड़े ज़्यादा वोल्ट है। वैसे गाइस यहाँ पर 24 वोल्ट लिखा है, हाँ भाई साहब यहाँ पर 24 वोल्ट है, लगभग 28 वोल्ट दिखा रहा है, तो भाई हमें इधर से 12 वोल्ट लेने होंगे, ठीक है, तो भाई जिससे कि हमारी बैटरी रिचार्ज हो सके इस पावर सप्लाई से, तो बहुत ईजी है। चलो भाई 12 वोल्ट गाइस हमें यहाँ मिल गए लगभग, और भाई साहब 5 वोल्ट हमें लगभग यहाँ मिल जाएंगे। हाँ तो गाइस अब भाई ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है या चुका है। एक बात और भाई, पहले मैंने चार्जिंग सिस्टम डायरेक्ट इससे लिया था, यानी कि जो पावर सप्लाई है ना, मतलब भाई जब इसे पावर देते तभी गाइस आपका मोबाइल रिचार्ज हो सकता था, क्योंकि भाई इसमें 5 वोल्ट निकलते हैं डायरेक्ट। फिर भाई मैंने सोचा नहीं यार ऐसे मजा नहीं आएगा यार, अब गाइस इसके बाद आप ना भी लगाओगे तो गाइस इस बैटरी से आपका मोबाइल रिचार्ज हो सकता है। तो भाई उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक अलग से हीट सिंक लगाई है, और भाई ये हीट सिंक नहीं है, लेकिन भाई ये जो कंसील्ड लाइट होती है ना, तो भाई उसकी ड्यूबी, हाँ ये गाइस ड्यूबी लाइट है, तो भाई ये खराब थी, तो गाइस मैंने हीट सिंक की तरह यूज कर लिया। भाई 78.05 IC भी यहाँ पर लगाई है, 78.12 है या 78.05 IC है। कनेक्शन भाई साहब चलिए बताता हूँ। देखो भाई साहब यह है रेगुलेटर IC, कोई सी भी हो, 78.15 हो, 78.18 हो, ठीक है, और 24 भी आती है, तो भैया 40 वोल्ट तक आप यहाँ से इनपुट दे सकते हो। 40 वोल्ट से ऊपर का IC ये खराब हो जाएगी, 40 वोल्ट तक तो मैक्सिमम दे सकते हो। ये इनपुट है, फर्स्ट लेग इनपुट पॉजिटिव और मिड वाली नेगेटिव, ये इनपुट आउटपुट दोनों नेगेटिव वायर की, ठीक है, और भाई ये थर्ड आउटपुट पॉजिटिव। तो भाई साहब कनेक्शन सिंपल, और भाई देखो अभी गाइस खाली नहीं लगी होगी, भाई लगभग भर गई है, हाँ ये थोड़ा स्पेस खाली है, आप जो गाइस थोड़ी बड़ी किट भी आती है इन्वर्टर की आप उसे भी लगा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा भरा भरा दिखाई दे रहा होगा, तो भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, वैसे यहाँ पे इतना स्पेस है भी नहीं, तो भाई यहाँ पर आप थोड़ी बड़ी प्लेट भी, ज्यादा वाट की प्लेट यहाँ पे किट लगा सकते हो, तो गाइस जगह नहीं बचेगी आपको, लगी भाई समर इसमें जगह है, नहीं भाई ज्यादा जगह नहीं है, और गाइस खुला रहेगा तो ठीक है, थोड़े हवा का आदान प्रदान सा लगा रहेगा। चले गाइस मैं ढक्कन नहीं लगाता हूँ, ढक्कन तो हम लगा ही देंगे, ऐसी ओपन इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई साहब ये रहा मोबाइल, और भैया ये रही डेटा केबिल, और मैंने इसे गाइस पावर नहीं दे रखी, ठीक है, यदि कहीं से भी तो यहाँ पर आप इसे लगाओगे कहाँ है देखिए, तो भाई ये चार्ज हो रहा है दोबारा, जो बात है
ठीक। तो भैया ये लगभग 2 एम्पियर आउटपुट देता है जो आईसी है, तो ठीक है आप मोबाइल ठीक चार्ज हो जाएगा, ऐसे नहीं कि मतलब बहुत फास्ट चार्ज होगा। तो भैया इससे अब एसी आउटपुट लेके देखते हैं, लेकिन भाई उससे पहले मैं थोड़ी लाइट बंद कर लेता हूँ जैसा मैं आपको इसकी लाइट दिखा सकूँ, अच्छी लगती है काफ़ी। तो भाई इस स्विच से ये ऑन हो जाएगा, देखो वाओ मस्त। तो भाई यहाँ पर पूरी ब्लू लाइट, काफ़ी मस्त लगती है लाइट। और भाई यहाँ पर ये इंडिकेटर है जो ग्रीन कलर का, मैं इसे दिखाता हूँ ये ठीक देखा। और इसके बीच में है रेड और थर्ड वाली है गाइस चार्जिंग के लिए, जब आप इसे सीधा डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी में लगाओगे इस प्लग को तो गाइस ये चार्जिंग इंडिकेटर भी शो करेगा। तो भाई अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो भाई सब ये है 40 वाट की एलईडी, गाइस काफी बड़ी एलईडी है। वैसे गाइस आपको क्लियर बता दूं भाई 200 वाट साइज की साइड पर लिखा है, लेकिन भाई ये 100 वाट तक का ही लगभग काम करती है जो इन्वर्टर है। तो गाइस प्लीज 100 वाट से ऊपर का लोड मत डालना, मैं आपको भी डाल के दिखाऊंगा। देखो गाइस 40 वाट की एलईडी है, देखो भाई कैसे चलती है। तो थोड़ा मैं लाइट वेट अभी बंद करूंगा, पहले इसे लगा देते हैं इस पर, पहले मैं चला के चेक करता हूँ। अरे है तो भाई ये काफ़ी तेज जल रही है, रुक जाओ। अरे है जो बात है गाइस काफ़ी ब्राइट है, और भाई डायरेक्ट मुंह पर पड़ लेता गाइस इसमें ही हो मैं गाइस भूसता लगा रहूँगा आपको। हाँ तो भाई बताइए मस्त बिल्कुल ठीक है। तो भाई आउटपुट तो उसका खैर अच्छा है, बंद करते हैं इसे। अब भैया ये 100 वाट का बल्ब, तो इसी पर चला के देख लेते हैं। तो भाई देखते हैं कितना ब्राइट जलता है। हाँ जल तो रहा है, इतना ब्राइट नहीं है लेकिन गाइस हाँ अच्छा जल रहा है, 100 वाट का बल्ब आराम से आप चला सकते हो। तो आई होप गाइस आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा कि भाई 100 वाट तक बल्ब आप इससे आराम चला सकते हो, लेकिन भाई ये बैटरी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करेगा। आजकल गाइस वैसे भी बल्ब का जमाना है नहीं, एलईडी का जमाना है। तो भाई बंद करते हैं। और गाइस खुशी की बात है भाई ये ओवरलोड नहीं माना, यानी कि बेच के एलईडी नहीं जली रेड वाली, वरना गाइस वो जल जाती है बाई चांस, वो 200 वाट का बल्ब लगा तब जल जाती है। तो चलिए भैया फटाफट अब इसको चार्जिंग भी करके देख लेते हैं ठीक है। तो भाई हमें इसे 240 वोल्ट या 220 वोल्ट एसी देना होगा। तो भैया यहाँ लगाया ठीक है। ओह तो भाई साहब यहाँ पे एलईडी जल रही होगी, आई थिंक आपको देखेगी नहीं देखेगी पता नहीं। तो भाई मैं ऑन करता हूँ एक बार, आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखो भाई साहब आई होप ये लाइट आपको दिख रही होगी, और अगर मैं इन्वर्टर ऑन करता हूँ तो भाई दोनों दिखाई दे रही शायद, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रही बहुत ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर अलग अलग कलर के एलईडी हैं अलग अलग इंडिकेट करने के लिए। तो गाइस ये सिस्टम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मतलब भाई जैसा मैं चाहिए था हमने ऐसा बनाया, और गाइस ऐसा ही काम भी कर रहा है। पहले मैं फटाफट इसके इसको लगाता हूँ, उसके बाद एंड वेंड भी कर रहा है तुम्हें पता था ही। A few minutes later. हाँ तो भाई साहब अब ठीक है, ये सारा सिस्टम बाहर आ गया स्क्रू लगने से ठीक है। यहाँ पे दो स्क्रू इधर और भाई दो स्क्रू इधर, और भाई अभी मस्त बिल्कुल हो चुका आपका गाइस इन्वर्टर। तो भाई कोई बंदा कह देगा कि भाई ये एक मोबाइल चार्जर या पावर बैंक है, और भाई मतलब सारा का सारा सिस्टम इसके अंदर ही लग रहा है, तो ठीक है भाई कोई कह नहीं सकता। और गाइस ये काफी पतला है तो भाई आराम से कहीं भी आ जाएगा। और भाई पुराने चीजों का यूज करके गाइस आप ऐसे काफी सारी चीजें बना सकते हो, और गाइस इसके अंदर स्पेस ज्यादा है नहीं, तो ठीक है ज्यादा वेट नहीं है। तो भैया आई होप आपको ये जुगाड़ अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको थोड़ा ज्यादा हैवी चाहिए तो गाइस आप थोड़ी ज्यादा वाट की किट लगा सकते हो। थैंक यू सो मच, आपको ये जुगाड़ अच्छा लगा दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा किट का, आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलता है, बाय बाय। प्लीज दोस्तों लाइक।